सो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन और स्पेसिफिकली बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। वी हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एंड हाउ इट इज़ यूज्ड। ओके, सो जस्ट टू रिवाइज, डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी ऑफ टू टाइप्स। ओके, देर कैन बी टू टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। वन इज़ डिस्क्रीट, ओके, एंड अदर इज कंटिन्यूस। ओके, दिस वन, सो दिस इज फर्स्ट वन एंड दिस इज ओके। एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वॉज अ कंटिन्यूस टाइप ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन वेयर वी वर मेजरिंग हाइट्स एंड वेयर वी वर मेजरिंग अदर नेचुरल थिंग्स। डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन के ठीक अपोजिट होता है कि इट टेक्स सर्टेन वैल्यूज, इट डजंट टेक ऑल वैल्यूज। ओके, अब डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन में भी इफ यदि वो दो ही वैल्यूज लेता है, सपोज कीजिए क्वेश्चन क्विज का आंसर सही होगा या गलत होगा, यानी ट्रू होगा या फॉल्स होगा, तो ये जो क्विज है जिसके केवल दो ही आउटकम्स आ सकते हैं, ये भी एक तरीके का डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है, लेकिन इसे बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब एक इसी तरीके के बहुत से डिस्ट्रीब्यूशन हो। तो यदि एक क्वेश्चन के बारे में मैं पूछूं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग दिस क्वेश्चन, वन क्वेश्चन करेक्ट, देन हाफ है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, दो ही आउटकम हो सकते हैं। बट लेकिन यदि मैं कहूँ कि क्विज में 10 क्वेश्चन हैं और क्या प्रोबेबिलिटी है कि 5 क्वेश्चन सही हों, तो ये जो इवेंट है, ये जो ओवरऑल जो इवेंट है वो बर्नौली इवेंट है, और ये जो ओवर जो भी इसका सैम्पल स्पेस बनेगा वो बनेगा बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि जिसे हम कहेंगे मेनी बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन जब हो जाएंगे तो हम कहेंगे कि ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है। ओके, यानी बर्नौली इवेंट्स जब ढेर सारे एक साथ हो तो वो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। ठीक है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे मैंने सिक्के को उछाला, ठीक है, ऑल ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट, यानी मैंने एक बार सिक्का उछाला, दो बार सिक्का उछाला, तीन बार सिक्का उछाला, ठीक, तो सारे जितने भी ट्रायल्स हैं सारे इंडिपेंडेंट हैं। नंबर एन इज़ फाइनाइट ऑफ ट्रायल्स इज़ फाइनाइट, यानी एक बार उछालूंगा, दो बार उछालूंगा, 10 बार उछालूंगा, 20 बार उछालूंगा, इनफाइनाइट नहीं होगा। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज सेम फॉर ईच ट्रायल, जो भी प्रोबेबिलिटी हो सक्सेस की, जैसे सिक्के उछालने के केस में तो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी हाफ है, तो ये सेम होती है। ठीक, तो इसकी यदि इक्वेशन हम लोग देखें तो इसकी इक्वेशन होती है पी एक्स, यानी एक्स किसी एक्स है वो ऑब्जर्वेशन। ठीक है, जैसे एक हेड आए, दो हेड आए, इस तरीके के ऑब्जर्वेशन है, तो किसी ऑब्जर्वेशन एक्स के लिए जो डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला होता है एन सी एक्स सक्सेस प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस की पावर एक्स, और क्यू है प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर की पावर एन माइनस एक्स। तो ये फॉर्मूला हमें याद रखना है। ठीक है, अब इसको कहाँ यूज़ करना है ये हम लोग देखेंगे। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं कि एक कॉइन 3 बार टॉस किया गया। ओके, अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स। अब उसके क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, उसे कहते हैं सैम्पल स्पेस। ठीक है, या तो तीनों बार हेड आ जाए, या दो बार हेड आ जाए, एक बार टेल आ जाए, इस तरीके से मैंने सारी पॉसिबिलिटीज लिखी, तो ये 2 की पावर 3, क्योंकि दो दो ही पॉसिबल आउटकम्स हैं, तो 2 की पावर 3 आउटकम्स हो गए। यदि मैं क्वेश्चन पूछूं कि व्हाट इज़ प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स, यानी 2 हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, तो ये तो बहुत सिंपल है, हम यहाँ देख लेंगे कि कहाँ कहाँ 2 हेड आया है। ठीक है, यहाँ 2 हेड आया, यहाँ 2 हेड आया, और यहाँ 2 हेड, एग्जैक्टली 2 हेड की बात हो रही है, यहाँ ये 3 हेड है। ठीक है, तो आराम से 3/8 निकल गया। तो आप कहोगे कि ये तो बहुत ही सिंपल है,
तो मुझे इसमें बाइनोमियल, इसी तरीके की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हमें बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ये बर्नौली इवेंट था और जब हमने 3 बार टॉस किया तो इस तरीके का सैंपल स्पेस बना, जो कि इस तरीके का जो डिस्ट्रीब्यूशन है इसे कहेंगे हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक, क्योंकि सारी सारी ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। चलिए, लेकिन चलिए ये तो बहुत ईजी था कि हमने आराम से निकाल सकते थे यदि 3 है, लेकिन वॉट इफ यदि कॉइन इज टॉस 10 टाइम्स, तब तो पहला यदि मैं देखूँ तो 10ों हेड आ सकते हैं, ओके, एच 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 एच, और इस तरीके से मैं 10 बार लिखूंगा। और इसी तरीके से यदि मैं सैम्पल स्पेस लिखने बैठूंगा तो मुझे जो सैम्पल स्पेस मिलेगा वो मिलेगा 2 की पावर 10, ओके, 2 की पावर 10 शायद 1024 होता है, ओके। तो अब प्रॉब्लम आ गई कि अब मैं इसमें पूछूं कि 2 बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी या 3 बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अब इस तरीके की प्रॉब्लम को हम नॉर्मल सैंपल स्पेस लिख के गिन के नहीं कर सकते, तो क्या करें। तो चलिए पहले पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि यही क्वेश्चन जो दो दो बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी को बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ठीक है, फॉर्मूला ये होता है पी एक्स इज इक्वल टू एन 3 टाइम्स है, यानी सिक्के को 3 बार उछाला गया है, तो 3 CX हाफ की पावर एक्स, हाफ यानी सक्सेस की पावर एक्स और फेलियर की पावर 3 माइनस एक्स, जहाँ पे एक्स हमारा एक्सपेक्टेड आउटकम है। तो एक्सपेक्टेड आउटकम इस केस में है 2 हेड, ओके, कि मैं 2 बार हेड को सक्सेस मान रहे हैं, तो 2 हेड आने की, तो एक्स की जगह 2 रखा तो आप देखिए 3C2 और 1/2 की पावर 2 और 1/2 की पावर 3 माइनस 2, तो देखा कि 3/8 आ गया, जो कि सेम था, देखिए ये सेम है। लेकिन ये तो सिंपल था, हम डायरेक्टली भी निकाल सकते थे। यस, यदि अब मैं पूछूं कि इसी सिचुएशन में 10 बार सिक्के को उछाला गया, क्या प्रोबेबिलिटी है कि 6 बार हेड आए, ओके। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, फॉर्मूला वही, पी एक्स इज इक्वल टू, इस बार 10 बार सिक्का उछाला गया है तो 10C हमारा जो फेवरेबल है इवेंट है, ओके, हमारा फेवरेबल इवेंट 10 CX, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस की पावर एक्स और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर वो भी हाफ है की पावर इस बार 10 माइनस एक्स, ओके, थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ मैं, ओके। अब देखिए, अब हमारा जो इस बार सक्सेस हम मान रहे हैं कि 6 बार हेड आए, तो P6, तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ 6 रख देंगे, तो देखिए 10C6 हाफ की पावर 6 और यहाँ हाफ की पावर 10 माइनस 6 विच इज 4, ओके, तो एकदम क्लियर हो गया कि 10C6 इसकी वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे डिवाइडेड बाय 2 की पावर 10, ओके। इस तरीके की प्रॉब्लम बहुत ही आसानी से हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से निकाल सकते हैं। तो हमें अपने डेटा में इस तरीके की प्रोबेबिलिटीज़ को प्रिडिक्ट करना होता है। तो हमने अब देखिए, ये बड़ा एग्जॉस्टिव कोर्स आपका जो डेटा साइंस का नहीं है, स्टैटिस्टिक्स अपने आप में एक सिंगल कोर्स है, ठीक। तो हमने एक आपको बता दिया नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू कि यदि आपका डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूअस है तो कंटिन्यूअस का एक टाइप हमने नॉर्मल बता दिया और डिस्क्रीट का एक टाइप हमने बाइनोमियल बता दिया। और भी डिस्ट्रीब्यूशन टाइप्स होते हैं, तो आप डिटेल में यदि देखना चाहें तो जाकर और दूसरे वीडियोस पर देख सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, वीडियो को बीच बीच में पॉज करके देखिए, कॉपी और पेन लेके जो जो लिखा है उसको दोबारा फिर से लिख लिख कर देखिए, ओके, तभी आपको समझ में आएगा। और इसको फिर अपने आने वाले एक्सपेरिमेंट्स या लैब एक्सपेरिमेंट्स में वी विल बी यूजिंग दिस। सो दैट वॉज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।